हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बघेल, फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मिडिल बैक पेन की। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अपर बैक पेन होता है जो कि सर्वाइकल के नीचे वाला हिस्सा होता है। बहुत सारे लोगों को लोअर बैक पेन की शिकायत होती जो कि बहुत कॉमन है, पर बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी देखते हैं कि जो आपका मिडिल वाला हिस्सा होता है उसमें भी बहुत सारे लोगों को स्टीफनेस, रिजिडिटी और पेन होता है, जो कि आपके ये वाले हिस्से का मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, उसके कारण स्टीफनेस ज़्यादा आती है और मिडिल बैक पेन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है अगर उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो फिजियोथेरेपी में भी मिडिल बैक पेन के लिए कुछ एक्सरसाइज है जिनको करके आप इजीली अपने पेन को ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। साथ ही साथ जिनको लोअर बैक पेन की शिकायत है उनके लिए आई बटन लिंक दे दी है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से पैर लंबे करके बैठ जाना है, दोनों हाथों को अपने इस तरीके से फिक्स करके आगे की तरफ ले जाना है और गर्दन को धीरे से नीचे करना है। आपको बैक में स्ट्रेच फील होगा, आपको इसको 10 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। अगेन इसे स्ट्रेच करना है, गर्दन को नीचे करना है, 10 सेकंड इसे होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इसे आप 10 टू 15 टाइम रिपीट कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को नॉर्मल इस तरीके से गर्दन के पीछे रख लेना है और अपनी कोहनी को राइट साइड में, अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो राइट साइड की कोहनी को आपको ऊपर की तरफ लेकर जाना है इस तरीके से, 10 सेकंड इसे होल्ड करना है, देन रिलैक्स। और लेफ्ट साइड के लिए भी आपको इस तरीके से कोहनी को ऊपर लेकर जाना है, 10 सेकंड इसे होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब ये एक्सरसाइज बताई जाती है तो उनका कुछ पॉस्चर इस तरीके का हो जाता है, वो कोहनी को ऊपर ले जाने के लिए गर्दन को पूरा नीचे कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से पॉस्चर को नहीं रखना है, नॉर्मली आपको नेक को सीधा रखना है। कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके आपकी कोहनी ऊपर जाएगी। इसे 10 सेकंड या 5 सेकंड जितना आपके कंफर्टनेस के हिसाब से आप होल्ड करें कर सकते हैं, देन रिलैक्स। इसे आप 5-10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में अगेन आपको इस तरीके से हाथों को सिर के पीछे रखना है और इसमें आपको अपने एल्बो को अपोजिट साइड के पैर के घुटने की तरफ मोड़ना है। ये आपके मिडिल बैक का वर्टिबल कॉलम का रोटेशन होगा इस तरीके से। इसको 5-10 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। अपोजिट साइड से भी कोहनी को इस साइड लेकर जाना है, घुटने की साइड पे रखना है, इसे होल्ड करना है 10 सेकंड, देन रिलैक्स। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से थेराबैंड का यूज करना है। थेराबैंड को लेकर के इस तरीके से पैर में इसको अटकाना है, नॉर्मली इसको स्ट्रेच करना है, हाथों को आपको स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है। इसे 5-10 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। अगेन इसको स्ट्रेच करना है, 5-10 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इससे आपकी बैक मसल्स में, जो मिडिल में मसल्स होती है, उस पर काफ़ी इफेक्ट आएगा जिससे आपको पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। इसे भी आप 10-15 टाइम रिपीट कर सकते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से थेराबैंड को हाथों को पीछे लेकर जाना है, पीठ में आपको इसको फिक्स करना है, आपको इस तरीके से एल्बो में दिख रहा होगा इस तरीके से फिक्स करना है आपको, और नॉर्मली अपने हाथों को स्ट्रेच करना है, 10 सेकंड से होल्ड करना है, देन रिलैक्स। अगेन इसको स्ट्रेच करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। थेराबैंड का यूज़ हम रेजिस्टेंस के लिए करते हैं जो कि आपकी मसल्स पे काफ़ी इफेक्ट डालता है, क्योंकि मसल्स की भी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो एक रिवर्स फोर्स भी जनरेट होता है जो कि आपकी मसल्स के ब्लड सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बहुत फायदेमंद होता है और आपकी स्टीफनेस भी इससे कम होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने हाथों को नॉर्मली इस तरीके से आपको आगे की तरफ ले जाना है, दोनों हाथों को खोलना है, आपको स्ट्रेच करना है और फिर बंद करना है। अगेन इसको स्ट्रेच करना है, खोलना है और फिर बंद करना है। इसे भी आप 10-15 टाइम रिपीट कर सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आई होगी। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दी, उसके साथ ही साथ मैंने अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी है। जिन्हें ये प्रॉब्लम है वो वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।